अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। अपना तुम्हें बनाया है, कुछ भी नहीं छुपाया है। हमने तुमसे अपने दिल का हर किस्सा कह डाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनता आवाज। 68 साल के परशुराम राम पेशे से राजमिस्त्री हैं। राजमिस्त्री मतलब घर मकान दुकान से लेकर ऊंची ऊंची इमारत बनाने वाले मिस्त्री या कारीगर। आज जब हमने इनके बारे में सुबह अखबार में पढ़ा तो मुझे अल्ताफ राजा द्वारा गाई हुई ये पंक्तियां याद आईं जो आपने वीडियो के शुरुआत में सुनी, यानी कि दिल का हाल सुने दिल वाला। अर्थात जो जिस समस्या से गुजरता है, जिस समस्या से जूझता है, वही व्यक्ति उस समस्या की पीड़ा को समझता है। 68 साल के परशुराम राम ने वह कर दिखाया है जिसे करना आम आदमी के लिए चुनौती से कम नहीं है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं ना कि जब दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है झारखंड के परशुराम जी ने। 68 साल के बुजुर्ग खुद सिर्फ 5वीं पास होने के बावजूद उन्होंने बिरसा मुंडा निशुल्क विद्यालय खोला है, जिसमें करीब 4200 बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसा वह पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं। झोपड़ी नुमा इस विद्यालय में आसपास की बस्ती में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों या रिक्शा या ठेला चलाने वालों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में अब 7वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है। परशुराम ने खुद अभाव और अशिक्षा को करीबी सी देखा है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के अनुसार वे कहते हैं, मेरे माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे। तंगी की वजह से मैं 5वीं से आगे नहीं पढ़ पाया। माँ बाप के साथ मजदूरी की और वहीं राजमिस्त्री का काम सीख लिया, मगर मुझे हमेशा यह बात चुभती थी कि मजदूर करने वालों के बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। पत्नी को यह बात बताई तो वह भी साथ देने को तैयार हो गई। परशुराम ने 1990 में अपनी 20,000 की बचत से एक झोंपड़ी नुमा स्कूल शुरू किया। पहले मैं खुद बच्चों को अक्षर ज्ञान देता था, मगर धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई। तब एक शिक्षक की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त कोई भी शिक्षक निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने खुद 10,000 के मानदेय पर 2 शिक्षकों को काम पर रखा। यह पैसे जुटाने के लिए साथी मजदूरों से मदद मांगी। कई मजदूर महीनों में 100-100 रुपये देते थे। इससे 5-6 हज़ार रुपये जमा होते और बाकी की राशि जुटाने के लिए परशुराम रात में भी काम करने लगे। हालांकि धीरे धीरे उनकी लगन देखकर कई संस्थाओं ने मदद का हाथ बढ़ाया। आज यहां 4 शिक्षक ममता सिंह, विजय कुमार, बबीता कुमारी और अनुषा देवी हैं। ये सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई मानदेय नहीं लेते हैं। परशुराम राम जी ने समाज के सामने जो मिसाल पेश की है वो सिर्फ काबिले तारीफ ही नहीं, बल्कि इनसे हमारे देश के मोटी मोटी तोंद वाले नेता, अधिकारी और कथित समाज सेवियों को सबक लेना चाहिए, जो सिर्फ समाज सेवा के नाम पर एक केला 5-5 व्यक्ति एक मरीज को देकर फोटो खिंचवाते हुए नजर आते हैं। जनित आवाज की पूरी टीम दिल से ऐसे महान व्यक्ति को सलाम करती है। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। आप परशुराम राम जी की स्टोरी से क्या प्रेरणा लेते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों में शेयर करना न भूलें। हम चाहते हैं कि इस खबर को आपके चाहने वाले भी जरूर सुने। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।